हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, चार चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एस्टीमेट के। अब पांचवा चैप्टर शुरू करते हैं वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में जनरली क्या करते हैं हम, अगर सबसे पहले डेफिनेशन देखें वैल्यूएशन की, तो यहाँ पे वैल्यूएशन के साथ दो दो डेफिनेशन आपको और देखनी पड़ेगी। अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए एस्टीमेट, अगर मैं लिखता हूँ एस्टीमेट, एक हम लिखते हैं कॉस्ट और एक हम लिखते हैं वैल्यू। ये तीनों टर्म पैसे से रिलेटेड है, ये तीनों टर्म पैसे से रिलेटेड है, अगर सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी स्ट्रक्चर की बात करें तो। लेकिन इन तीनों में फर्क है, ये तीनों एक चीज नहीं है। अगर एस्टीमेट की बात करें, कोई भी जैसे बिल्डिंग, कुछ कुछ भी मान लो अपने पास, ये कोई भी चीज है, ये कोई भी कॉम्पोनेंट है। जब ये कॉम्पोनेंट बनाया था, इस कॉम्पोनेंट को बनाने से पहले आपने कोई एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर पता कर लिया था, तो एस्टीमेट तो होता है एक एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि आपने काम शुरू किया उससे पहले अंदाजा लगा लिया लगभग इतना पैसा इसमें खर्च होगा। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट होता है साहब एक्चुअल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने लमसम एक अंदाजा लगा लिया कि कोई मकान को बनाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए बनाने से पहले, तो ये तो एस्टिमेट है। अब उसको तुमने बना लिया, बनाने के बाद सारी चीज तुमने कैलकुलेट किया, कितना खर्चा आया। मान लीजिए इसमें खर्चा आया 49,63,269 रुपीज, तो ये उसका एक्चुअल कॉस्ट है। ये एस्टिमेट है, ये कॉस्ट है। वैल्यू अलग चीज होती है, वैल्यू अलग चीज होती है कि अब आपने ये बिल्डिंग बना दी, अब इस बिल्डिंग का मार्केट प्राइस क्या है, अब इस बिल्डिंग का मार्केट प्राइस क्या है। तुमने 50 लाख की बिल्डिंग तो बना दी, अब इसका मार्केट प्राइस क्या है, वो कहलाता है वैल्यू। जैसे अगर आप इसको बेचने के लिए रखो कि मुझे ये मकान बेचना है, तो इस मकान के आपको मैक्सिमम कितने पैसे मिल सकते हैं अगर आप इसको ओपनली सेल करने के लिए रखो तो। सपोज करिए, मान लीजिए 70 लाख रुपये मिल सकते हैं, तो ये जो 70 लाख रुपये हैं, ये 70 लाख रुपये इसकी वैल्यू है, ये 70 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। क्लियर है? अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होगी, कम भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए तुम बाइक लेके आए, ठीक है, बाइक लेके आए, मान लीजिए तुम 70,000 रुपए की कोई बाइक लेके आए, इस बाइक को लाए तुमको 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद अगर इस बाइक को बेचना चाहोगे तो सपोज करिए कि उसके पैसे मिल रहे हैं आपको 50,000, उसके पैसे मिल रहे हैं आपको 50,000, तो उसकी वैल्यू डीवैल्यू हो गई, डीवैल्यूएट हो गया वो। अगर कोई मकान है, जनरली जो प्रॉपर्टी होती है इस तरीके की, उसके वैल्यू बढ़ती है। अगर कोई मशीनरी होती है, तो मशीनरी की वैल्यू जनरली टाइम के साथ कम होती है। अगर इस मकान की भी बात करें, अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग की बात करें, तो ये प्लेस टू प्लेस भी वेरी कर सकता है, कि हो सकता है सेम कॉस्ट की बिल्डिंग, सेम कॉस्ट की बिल्डिंग का रेट एक जगह कुछ अलग है, मतलब वैल्यू, और दूसरी जगह वैल्यू कुछ अलग है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल लें एक, तो एक कोई बिल्डिंग है जिसका कॉस्ट 50 लाख रुपए है। मान लेते हैं कि उस बिल्डिंग का कॉस्ट 50 लाख रुपए है, कॉस्ट मतलब जो बनने में खर्चा आया वो। अब उसकी लोकेशन दो जगह लेते हैं, अगर मैं जयपुर की बात करता हूं मान लीजिए, तो जयपुर में मान लीजिए एक बिल्डिंग बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन की, बिल्कुल सेम कॉस्ट की, एक बिल्डिंग है सी स्कीम में और एक बिल्डिंग है मान लीजिए जगतपुरा में। तो जो बिल्डिंग 50 लाख रुपए की सी स्कीम में है, जिसको बनाने में 50 लाख का खर्चा आया, हो सकता है उसकी कीमत यहाँ पे 4 करोड़ हो सी स्कीम में, और हो सकता है उसी बिल्डिंग की कीमत जगतपुरा में 1 करोड़ रुपए। तो ये जगह टू जगह भी वेरी कर सकती है, क्योंकि यहाँ की मार्केट प्राइस कुछ अलग है, यहाँ के मार्केट स्टैंडर्ड कुछ अलग है, यहाँ के स्टैंडर्ड कुछ अलग है। तो आई होप कि आपको तीनों चीजों में फर्क समझ में आ गया होगा कि एस्टिमेट क्या है, कॉस्ट क्या है और वैल्यू क्या है। तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान रखना। कॉस्ट को और वैल्यू को आप रिलेट नहीं कर सकते हो। कॉस्ट का मतलब है कि उस स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट को या उस स्ट्रक्चर को बनाने में एक्चुअल कितना खर्चा हुआ। ठीक है, वहां पर भी फिर एक चीज और आती है, कैपिटल कॉस्ट। एक आती है सिर्फ कॉस्ट और एक होता है कैपिटल कॉस्ट। एक होता है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड
प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कि आपने कोई जमीन खरीदी 50 लाख रुपए की, तो उस पर 50 लाख रुपए का मकान बनाया, तो उसकी कैपिटल कॉस्ट हो गई 1 करोड़। इसको बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट। और हो सकता है कि आप 1 करोड़ की बिल्डिंग है, तो 1 करोड़ का दाम आपको 2 करोड़ मिले, 3 करोड़ मिले, 4 करोड़ मिले, ये वेरी कर सकता है, जगह के हिसाब से वेरी कर सकता है, टाइम के हिसाब से वेरी कर सकता है। क्लियर? तो कॉस्ट, एस्टिमेट और वैल्यू, ये तीनों अलग अलग टर्म है। अगर हम दूसरी चीज की बात करें कि इसको हम वैल्यू क्यों करते हैं, अगर किसी चीज की आपको वैल्यू पता लगानी हो, अगर किसी चीज की वैल्यू पता लगानी हो, तो वो वैल्यू क्यों पता लगाते हैं, वो वैल्यू क्यों पता लगाते हैं। सपोज करिए कि आपको वैल्यू पता चल गई किसी प्रॉपर्टी की, तो वैल्यू किसके लिए पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज सेल करनी है, कोई चीज मान लीजिए खरीदनी है, ठीक है, अगर कोई चीज आपको सेल करनी है, कोई चीज बाय करनी है। अब आपके पास मान लीजिए कोई घर है, उस घर को आपको रेंट पे देना है या रेंट पे लेना है, रेंट पे देना है या लेना है, इस पे भी वैल्यू का फर्क पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको 2 BHK फ्लैट चाहिए रेंट पे, 2 BHK फ्लैट रेंट पे लेना है, अलग अलग लोकेशन पे, बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन है, जो इस 2 BHK में है वही दूसरे 2 BHK में बिल्कुल ऐसे कैसा, कार्पेट एरिया बराबर है, फ्लोर एरिया बराबर है, बिल्कुल फर्निश्ड मकान है, जो भी है, लेकिन आपको दो अलग अलग चीज पे चाहिए। एक मान लीजिए आपको जयपुर में MI रोड पे चाहिए ये मकान, एक मान लीजिए आपको गांधीनगर में चाहिए, ठीक है, दो अलग अलग जगह चाहिए। तो हो सकता है यहां पे इस फ्लैट का रेंट कुछ अलग हो सकता है यहां पे उस फ्लैट का रेंट कुछ अलग हो। क्या चीज मैटर करेगी कि यहां पे हो सकता है इस चीज की वैल्यू अलग है, यहां पे हो सकता है इस चीज की वैल्यू अलग है, और अगर आप तीसरे जगह पे आओगे तो तीसरे जगह पे हो सकता है तुमको उसका रेट कुछ अलग ही मिले। तो पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर बिल्डिंग का या कोई भी स्ट्रक्चर का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। हो सकता है तुमको उसको बेचना हो, तुमको उसको खरीदना हो, रेंट पे देना हो, या उस पे जो टैक्सेस फिक्स किए जाते हैं, या उस पे जो टैक्सेस फिक्स किए जाते हैं उनकी बात हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी चीजों के लिए आपको उस बिल्डिंग का, खासकर उस बिल्डिंग का वैल्यू पता होना जरूरी है। क्लियर है? उस बिल्डिंग का वैल्यू पता होना जरूरी है। इस चैप्टर में देखिए जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेफिनेशन से पूछे जाते हैं। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली डेफिनेशन से पूछे जाते हैं, और उन डेफिनेशन में भी जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, सिंकिंग फंड, कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपिटल वैल्यू अलग है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू अलग है, और डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। यहां से आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंकिंग फंड से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, डेप्रिसिएशन से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वैल्यूएशन क्या है, उसके बाद ये देखेंगे कि वैल्यूएशन की जरूरत क्यों है, वैल्यूएशन करते क्यों है, और उसके बाद देखेंगे कि जो अलग अलग तरीके के डेफिनेशन है इनका क्या मतलब। तो हम शुरू करते हैं वैल्यूएशन की डेफिनेशन से। वैल्यूएशन क्या है, अभी मैंने बताया वैल्यूएशन का मतलब क्या है। अगर कोई बिल्डिंग, अगर तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का करंट प्राइस कितना हो सकता है, उस बिल्डिंग की करंट वैल्यू कितनी हो सकती है, किसी भी स्पेसिफिकेशन के साथ, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे और किसी भी जगह पे। क्लियर? तो इट इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग, इट इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग फेयर करंट प्राइस, फेयर करंट प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास कोई जमीन है, कोई मशीनरी है, बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो उसकी आपको करंट वैल्यू पता चल जाए, करंट प्राइस पता चल जाए, ये एक टेक्निक है या एक मेथड है डिटरमाइन करने का, उसको वैल्यूएशन कहते हैं।
अलग अलग तरीके भी पढ़ेंगे वैल्यूएशन के, कि क्या क्या तरीकों से वैल्यूएशन किया जाता है, कौन कौन से तरीकों से वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखें पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, अगर हम देखते हैं पर्पज ऑफ वैल्यूएशन क्या है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि आपको कोई चीज बाय करनी है, किसी चीज को सेल करना है, किसी चीज पे रेंट फिक्स करना है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी टैक्स फिक्स करती है अगर उस पर, तो गवर्नमेंट बॉडी को भी अपने हिसाब से वैल्यू करना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि तुम्हारे पास कोई प्लॉट है, आपके पास कोई प्लॉट है, अब इस प्लॉट का साइज किसी भी एरिया में होगा ये प्लॉट, और किसी भी साइज का होगा। अब इस प्लॉट पे आपको बैंक से लोन लेना है, इस प्लॉट पे आपको बैंक से लोन लेना है, तो आपको इस प्लॉट को मॉर्गेज रखना होगा, गिरवी रखना होगा। अब जो बैंक इस पे लोन देगी वो बैंक क्या करेगी, इस प्लॉट की वैल्यू पता करेगी, वो बैंक क्या करेगी इस प्लॉट की वैल्यू पता करेगी। बैंक ने इस प्लॉट का वैल्यू पता कर दिया, सपोज करेगी 50 लाख रुपए इसका वैल्यू है, तो बैंक क्या करेगा आपको लगभग 70-75% के आसपास लोन देता है इसका, लगभग इसका 70-75% लोन देगा, कि इस 50 लाख की वैल्यू का 70% के आसपास जैसे आपको 35-40 लाख रुपए लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी भी या कोई भी प्राइवेट एंटिटी है वो भी लोन किसी भी चीज की वैल्यू को पता करती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास मान लीजिए कोई कार है, तुम्हारे पास कार है, कार आपने खरीदी 20 लाख रुपए की आज, अब इस कार का आपको इंश्योरेंस करवाना है, इस कार का आपको इंश्योरेंस करवाना है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करेगी, इस कार का टाइम टाइम पे वैल्यू पता करती है। अगर मान लीजिए तुम्हारी कार चोरी हो जाती है पहले साल, तो आपको पूरे 20 लाख रुपए में से कुछ कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर यही कार मान लीजिए 4 साल के बाद चोरी हुई, तो जो अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो तुमको पूरे 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, थोड़े से पैसे मिलेंगे, 8-10 लाख रुपए मिलेंगे, 12 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 साल के बाद इस कार की क्या वैल्यू है ये पता की जाएगी, और उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस अमाउंट फिक्स किया जाएगा। तो इन सभी चीजों के लिए आपको वैल्यूएशन का पता होना जरूरी है कोई भी प्रॉपर्टी की। क्लियर? तो अगर पर्पस देखें वैल्यूएशन का, तो पहला है बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी, बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, खरीदनी हो, जैसे तुम बाइक भी खरीदने गए, और भी अगर छोटा एग्जांपल ले लो, तुमको मान लीजिए कोई गाय चाहिए, अगर तुमको कोई गाय खरीदनी है बेचनी है, तो इसकी भी तो वैल्यू पता लगाते हैं ना, कि ये कितने का होगा कितने का नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी आपको बेचनी है खरीदनी हो, तो आपको उसके बारे में वैल्यू पता होना चाहिए। दूसरा टैक्सेशन, दूसरा है टैक्सेशन, म्युनिसिपैलिटी टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये जो टैक्स फिक्स किए जाते हैं ये कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी से फिक्स किए जाते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई भी लोकल अथॉरिटी। और जो टैक्स होंगे वो टैक्स जैसे म्युनिसिपल टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, कोई वेल्थ टैक्स है, तो ये जो टैक्स फिक्स किए जाते हैं ये पर्टिकुलर अमाउंट पे फिक्स किए जाते हैं, और उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू पता होना जरूरी है। ठीक, इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ लोन्स, सिक्योरिटी ऑफ लोन्स और मॉर्गेज, जब किसी चीज को गिरवी रखते हैं तो उसको मॉर्गेज बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि प्लॉट का, कि आपको बैंक से लोन लेना होगा तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा, और उसको गिरवी रखने के लिए भी इसका वैल्यूएशन होना जरूरी है, वैल्यू पता करना जरूरी है। अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं, अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ डेफिनेशन देखते हैं,
पहला है ग्रॉस इनकम, पहला है ग्रॉस इनकम। इसको ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ग्रॉस इनकम का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से कितना पैसा आ रहा है ग्रॉस, बिना खर्चे को काउंट किए हुए, बिना खर्चे को काउंट किए हुए। सपोज कीजिए कि तुमने कोई शॉपिंग मॉल बनाया, तुम्हारा खुद का शॉपिंग मॉल है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस शॉपिंग मॉल की जो टोटल इनकमिंग है, वो टोटल इनकमिंग कितनी है? इस शॉपिंग मॉल में मान लीजिए तुम्हारी 50 दुकानें हैं, 50 दुकानों को तुमने किराए पे दिया हुआ है। अब उन 50 दुकानों से टोटल कितना पैसा आ रहा है आपके पास? तो टोटल जो पैसा है, वो टोटल पैसा कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकमिंग। इस ग्रॉस इनकम में हम किसी भी तरीके के एक्सपेंडिचर को काउंट नहीं करते हैं, किसी भी तरीके के एक्सपेंडिचर को काउंट नहीं करते। क्योंकि अगर तुम्हारे पास मॉल है, तो मॉल के लिए आपको चौकीदार भी चाहिए होगा, वॉचमैन चाहिए होगा, या और तरीके रिपेयरिंग के लिए पैसा चाहिए होगा, मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए होगा। तो उन सारी चीजों में जो खर्चा होने वाला है, उस खर्चे को हम काउंट नहीं करते, सिर्फ आपको इनकम इनकम देखनी है, उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम। तो दिस इंक्लूड टोटल इनकम, दिस इंक्लूड टोटल इनकम ऑफ एनी प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरिंग विदाउट कंसिडरिंग एक्सपेंडिचर। जैसे अगर मकान के एग्जाम्पल नहीं लेके तुम्हारे पास कोई मान लीजिए ट्रक है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई ट्रक है, कोई बस है। अब इस ट्रक से डेली की इनकम कितनी होती है, इस ट्रक से डेली तुम्हारे पास कितना पैसा आता है? एक्सपेंडिचर भी होता होगा, ड्राइवर की तनख्वाह है, डीजल है, मेंटेनेंस है, रोड टैक्स है, सारी चीजें, वो सारे एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। अगर इसके एक्सपेंडिचर देखें तो आपके पास ड्राइवर की सैलरी हो सकती है, डीजल हो सकता है, या फिर और दुनिया भर के तरीके के टैक्स हो सकते हैं, रिपेयरिंग करवा सकते हो आप इसकी, मेंटेनेंस है, ये सारे एक्सपेंडिचर हुए। लेकिन हम सिर्फ किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि इसे टोटल कितना पैसा आया। मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये आया डेली, ये ट्रक आपको 30,000 रुपये देता है, ये आपके पास आया, तो ये तो है ग्रॉस इनकम, ये है ग्रॉस इनकम। इन सभी चीजों में मिला के मान लीजिए खर्चा होता है 25,000 रुपये, इन सभी चीजों में मिला के खर्चा होता है 25,000 रुपये। तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर, ये क्या है, ये है टोटल एक्सपेंडिचर। और जो ग्रॉस इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर जो है, इसको बोलते हैं नेट इनकम। तो ग्रॉस इनकम अलग है, टोटल एक्सपेंडिचर अलग है, और नेट इनकम अलग है। नेट इनकम में हम एक्सपेंडिचर्स को अकाउंट करते हैं, एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल किसी का भी हो सकता है। तुमने सुना होगा कि जो लोग बिजनेस करते हैं, या कोई जैसे मान लीजिए मेडिकल शॉप है किसी के पास, तो मेडिकल शॉप वाले बोलते हैं कि यार मेरे डेली का सेलिंग कितना है। मान लीजिए उसका डेली का सेलिंग 50,000 रुपये है, तो ये जो डेली का सेलिंग है, ये डेली सेल है ग्रॉस इनकम में, ये डेली सेल है ग्रॉस इनकम में। लेकिन इसके लिए उसको पे भी करना पड़ता है, जो उसने दवाइयाँ बेची उसके लिए पेबैक भी करना पड़ेगा, इसके अलावा किराया करना पड़ेगा, कोई आदमी लगा रखा है काम करने के लिए उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे एक्सपेंडिचर में। और ग्रॉस इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट इनकम, तो आपको मिलेगा नेट इनकम, ठीक है। तो ये जनरल टर्म है। अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखो, तो जो तुमको मॉल का एग्जांपल बताया था, वो यहाँ पे सुटेबल हो सकता है। तुम्हारा कोई खुद का मकान है, मान लो तुमने कोई मकान बना रखा है जिसमें 4-5 पोर्शन बना रखे, कोई तुमने अपार्टमेंट बना दिया, कोई तुमने क्या किया अपार्टमेंट बनाया, और उस अपार्टमेंट में 4 फ्लैट हैं, चारों फ्लैट आपने किराए पे दे रखे, तो जो किराए से जो टोटल रेंट आया, तुम्हारे पास जो टोटल रेंट आया, वो है आपके पास ग्रॉस इनकम,
वो है आपके पास ग्रॉस इनकम। लेकिन इनके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वॉचमैन वगैरह के लिए, पानी वानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सारा अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट इनकम। ठीक है, तो दूसरा आता है नेट इनकम, दूसरा आता है नेट इनकम। तो नेट इनकम का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तीसरी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप को बोलते हैं कबाड़ा, हिंदी में अगर बोलते हैं स्क्रैप को तो कबाड़ बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास कोई मकान है, सपोज कोई आपने मकान बना रखा है और उस मकान की जो लाइफ है, उस मकान की जो डिजाइन लाइफ है वो मान लीजिए 50 साल है, उस मकान की डिजाइन 50 साल है। आफ्टर 50 साल इस मकान को डिसमेंटल कर दिया गया, इस मकान को डिसमेंटल कर दिया गया मतलब इसको गिरा दिया गया। डिसमेंटल करने के बाद उसमें जो कबाड़ है, कबाड़ का मतलब हो सकता है इसमें कुछ आयरन हो, आयरन रॉड्स हो, मतलब सरिया हो, साबुत ईंट हो या स्टोन हो, इस तरीके की जो चीजें, स्क्रैप जो बचा इसका, तो इसका जो स्क्रैप बचा, जैसे कुछ आयरन बचा, कुछ ब्रिक्स बचे, कुछ स्टोन बचा, कुछ ग्लास वगैरह कुछ भी बचे होंगे, इस स्क्रैप का बाजार में क्या कीमत है, इस स्क्रैप की बाजार में क्या वैल्यू है, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी प्रॉपर्टी की डिजाइन लाइफ खत्म होने के बाद जब उसको डिसमेंटल कर दिया गया, डिसमेंटल करने के बाद जो चीजें बची उसमें, जिन चीजों की वैल्यू हो सकती है, उन कबाड़ की चीजों की क्या वैल्यू है, क्या मतलब इनसे आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, उस चीज को बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। क्लियर, उस चीज को बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, इट इज द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे सपोज तुम्हारे पास कोई बाइक है, उस बाइक की उम्र खत्म हो गई, अब वो बाइक कबाड़ में पड़ी हुई है, अब उस बाइक को आपको किसी कबाड़ी को बेचना है, तो कबाड़ी उस बाइक के कितने पैसे देगा, वो हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखिए, स्क्रैप वैल्यू मे बी नेगेटिव ऑल्सो। अगर तुम्हारे पास कोई आरसीसी की स्लैब है, मान लीजिए आरसीसी का पूरा मकान आरसीसी का है, जिसमें वॉल भी आरसीसी की है, छत भी आरसीसी की है, कॉलम वगैरह सारी चीजें, जब इस आरसीसी को डिसमेंटल करते हैं तो यहां से जो आपको स्क्रैप मिलता है आयरन, स्टील, वो स्क्रैप मिलता है आपको स्टील। अब इस स्टील की जो वैल्यू है, इस स्टील की वैल्यू जितना इसको डिसमेंटल करने में खर्चा आया उससे कम होती है, क्योंकि आरसीसी के केस में जितना पैसा इस आरसीसी को डिसमेंटल करने में लगता है उतनी कीमत इसके स्क्रैप की नहीं होती है, उतनी कीमत इसके स्क्रैप की नहीं होती। तो इस वाले केस में स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, ये याद रखना। तो हमेशा जरूरी नहीं है पॉजिटिव होगा, स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक तो ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, दूसरी एक डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्वेज वैल्यू।
सेल बेस वैल्यू। सेम अगर तुम्हारे पास कोई मकान है, मान लीजिए इस मकान की डिजाइन लाइफ 50 साल है, इस मकान की डिजाइन लाइफ 50 साल, अब इसको 50 साल पूरे हो गए हैं लेकिन ये अभी भी डिसमेंटल नहीं हुआ है, ये अभी भी डिसमेंटल नहीं हुआ है डिजाइन लाइफ खत्म होने के बाद भी, दिस इज नॉट डिसमेंटल, नॉट बीइंग डिसमेंटल। जब इसको डिसमेंटल नहीं किया गया तो इसकी क्या कीमत है, तो इसकी क्या वैल्यू है, उसको बोलते हैं सेल बेस वैल्यू। अगर इसको डिसमेंटल कर दिया, अगर इसको डिसमेंटल कर दिया तो डिसमेंटल करने के बाद कुछ स्क्रैप बचा, उस स्क्रैप का वैल्यू तो क्या था, स्क्रैप वैल्यू, उस स्क्रैप का वैल्यू था स्क्रैप वैल्यू। लेकिन अगर डिजाइन लाइफ खत्म होने के बाद भी इस प्रॉपर्टी को डिसमेंटल नहीं किया गया, उस वाले केस में इसका क्या वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड सेल बेस वैल्यू। इतना सा फर्क है, स्क्रैप वैल्यू में डिसमेंटल्ड मटेरियल को कंसिडर किया जाता है और सेल बेस वैल्यू में पूरी प्रॉपर्टी के वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, लेकिन कब, जब उसका डिजाइन पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद, जब उसका डिजाइन पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद। तो इट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स डिजाइन लाइफ, इट्स डिजाइन लाइफ विदाउट, विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्क्रैप वैल्यू में डिसमेंटल मटेरियल की क्वांटिटी, डिसमेंटल मटेरियल का वैल्यू पता किया जाता है और सेल्वेज वैल्यू में प्रॉपर्टी को डिसमेंटल नहीं करते, क्लियर। तीसरी टर्म आती है मार्केट वैल्यू, तीसरे टर्म आती है मार्केट वैल्यू। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना चाहो, अगर आपको कोई घर बेचना है, कोई गाड़ी बेचनी है, कोई मशीन बेचनी है, तो ओपन मार्केट में उस चीज का मैक्सिमम कितना पैसा आपको मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। इट इज द मैक्सिमम प्राइस, इट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट can be gained when the property is kept for selling in market price, in open market, in open market। एक चीज का ध्यान रखना है यहां पे, जैसे मान लो तुमको कोई जमीन बेचनी है, सपोज करिए आपको कोई जमीन बेचनी है, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आप ओपन मार्केट में नहीं गए, उस प्रॉपर्टी को आपने ओपन मार्केट में नहीं बेचा, आपने आपके भाई को वो चीज 50 लाख रुपए में दे दी। अगर आप इसको ओपनली बेचते तो हो सकता है आपको 70 लाख रुपए मिलते, तो इसका मार्केट प्राइस 50 लाख रुपए नहीं है जो आपने बेचा है, ये याद रखना। अगर हम इसको ओपन मार्केट में सेल करते तो ओपन मार्केट में हमको मैक्सिमम कितना पैसा मिल सकता था, ये इसका मार्केट प्राइस है। अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार को 50 लाख में दे दिया तो ये 50 लाख रुपए इसका मार्केट प्राइस नहीं है, क्लियर। तो बाकी कुछ डेफिनेशन नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।